बसमिल्लाम दोस्तों असल पी पी एस सी प्रिपरेशन मास्टर की जानब से खुश आमदीद दोस्तों आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम पी पी एस सी के टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ एम सी क्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ये एम सी क्यूज़ पर्टिकुलरली मैनेजमेंट साइंसिस और अकाउंट्स से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स आती हैं तो उनकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं तो लेक्चर फर्स्ट में हम दस टॉप मोस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग यानी इनमें से कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है ऑप्शंस हैं हैंटेनमेंट ऑफ कॉस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन असिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन डिसीजन मेकिंग। ये चार ऑप्शंस हैं तो हमने ये बताना है कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है इनमें कौन सा ऑप्शन है तो जो नंबर वन है असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस भी कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन भी कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव है जो लास्ट ऑप्शन है असिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन डिसीजन मेकिंग ये जो इसमें फोर्थ ऑप्शन है ये कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है तो इसमें जो राइट right आंसर है ये है जनाब डी जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया कि असिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन ये कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव नहीं है डीस में राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर टू अ प्रॉफिट सेंटर इज आ प्रॉफिट सेंटर क्या है ऑप्शन वेयर द मैनेजर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स विच इज कंसर्न विद अर्निंग एंड एडुकेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सी ऑप्शन है बोथ ऑफ द अब डी है विच मैनेज इज कॉस्ट तो सवाल है प्रॉफिट सेंटर क्या काम करता है यानी प्रॉफिट सेंटर कौन सा सेंटर है तो इसमें जो राइट right आंसर है वो है ए वेयर द मैनेजर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट ज़ाहिर सी बात है प्रॉफिट सेंटर में मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने की है ना कि इन्वेस्टमेंट की है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है Both of above भी नहीं है और मैनेजिज कॉस्ट भी नहीं है तो प्रॉफिट सेंटर का, का काम यह है कि जो मैनेजर होता है वहाँ पर प्रॉफिट सेंटर में तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जनरेटिंग एंड मैक्माइजिंग प्रॉफिट तो ये इसमें ए जो है ये राइट right आंसर है ये वाला ए इसमें राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर थ्री रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन बी कैटेगोराइज इन टू ऑप्शन हैं कॉस्ट सेंटर ओनली प्रॉफिट सेंटर ओनली इन्वेस्टमेंट सेंटर ओनली कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में जो चीज़ें आती हैं तो उसमें कॉस्ट सेंटर भी इंक्लूड है प्रॉफिट सेंटर भी इंक्लूड है और इन्वेस्टमेंट सेंटर भी इंक्लूड है ये अलग अलग सेंटर्स हैं कॉस्ट सेंटर का अलग काम है प्रॉफिट सेंटर का अलग काम इन्वेस्टमेंट और इन तमाम को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये बन जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर तो इसमें जो डी है ये राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर कॉस्ट यूनिट इज डिफाइंड क्या है ऑप्शन हैं यूनिट ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस और टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट मे बी और एक्सप्रेस्ड बी है लोकेशन पर्सन और एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट और अ ग्रुप ऑफ़

तो यूनिट ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस और टाइम इन रिलेशन टू विच दे मे बी सर्टन और एक्सप्रेस तो इसमें ए राइट आंसर है फोर्थ में क्वेश्चन नंबर फाइव है फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है ऑप्शन है विच चेंजेस इन टोटल इन प्रोपोर्शन टू चेंजेस इन आउटपुट विच इज Partly fixed and partly available in relation to output, which do not change in total during a given period despite changes in output, or last have which remains same for each unit of output. So, this means C, right answer which do not change in total during a given period despite changes in output. Question number six uncontrollable cost are the cost which be influenced by the action of a स्पेसिफाइड मेम्बर ऑफ एन अंडरटेकिंग ऑप्शन हैं कैन कैन बी कैन मे और मे नॉट मस्ट तो इसमें ए राइट आंसर है कैन नाट क्वेश्चन नंबर सेवन एलिमेंट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट आर ऑप्शन है मटीरियल ऑनली लेबर ऑनली एक्सपेंसिस ऑनली मटीरियल लेबर एंड एक्सपेंसिज तो इसमें डी राइट आंसर है मटीरियल लेबर एंड एक्सपेंसिस या ओवर कह सकते हैं एफ ओ एच क्वेश्चन नंबर एट एबनॉर्मल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑप्शन कॉस्ट नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट बी है कॉस्ट नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट सी है कॉस्ट विच इज चार्ज टू कस्टमर डी है कॉस्ट विच इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट तो इसमें बी राइट आंसर है एबनॉर्मल कॉस्ट है कॉस्ट नॉट नॉर्मली गिवन लेवल ऑफ आउटपुट क्वेश्चन नंबर नाइन कन्वर्जन कास्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग डैश इन डैश रॉ मटीरियल वर्क इन प्रोसेस रॉ मटीरियल फिनिश्ड गुड वर्क इन प्रोसेस फिनिश्ड गुड्स और लास्ट है फिनिश्ड गुड्स सेलेबल गुड्स तो इसमें बी राइट आंसर है राम मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट आती है उसको हम कन्वर्जन कास्ट कहते हैं और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर टेन आर ऑप्शन हैं रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग नॉट रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग फ्यूचर फ्यूचर कॉस्ट तो ये है बी नॉट रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग यानी डिसीजन मेकिंग में इसका कोई अमल दखल नहीं होता दोस्तों ये थे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज फॉर लेक्चर वन मजीद वीडियोज़ न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें देखते रहे हमारा चैनल थैंक यू फॉर अल्लाह हाफिज़